हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो क्लिप में हमने दर्पण को पढ़ा था, जिसमें हमने बताया था आपको कि दर्पण एक ऐसा परावर्तक पृष्ठ होता है जिसके ऊपर पड़ने वाले सभी रंग के प्रकाश की किरणें परावर्तित हो जाती हैं। दर्पण में हमने ये भी पढ़ा था कि एक पारदर्शी माध्यम का प्लेट लेते हैं, उसके एक सतह पर पारे की कलाई करते हैं, लाल ऑक्साइड की कलाई करते हैं, और दूसरा सतह जो होता है वो परावर्तक पृष्ठ का काम करता है। तो आज हम दर्पण के प्रकार को देखेंगे कि दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो मुख्यतः दर्पण को उनके परावर्तक पृष्ठ के आकृति के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो दर्पण होता है वो समतल दर्पण होता है। तो दर्पण के प्रकार में पहला जो होगा वो समतल दर्पण होगा, और दूसरा जो प्रकार होता है वो गोलीय दर्पण होता है। गोलीय दर्पण आपके किताबों में दर्पण के कहीं कहीं तीन प्रकार दिए हैं, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण। लेकिन उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण गोलीय दर्पण के दो भाग होते हैं। तो परावर्तक पृष्ठ के आकृति के आधार पर दर्पण को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया गया है, पहला समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण को दो भाग में बांटा गया है। ये अगर इसको हम ए कहें तो ए होता है अवतल दर्पण, जिसको अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसको कॉनकेव मिरर कहते हैं। और दूसरा गोलीय दर्पण में होता है उत्तल दर्पण, इसका एक और नाम है अपसारी दर्पण, और इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉनवेक्स मिरर। तो ये गोलीय दर्पण के दो भाग हैं, और ये अलग से समतल दर्पण है। तो आपके किताबों में समतल दर्पण, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण तीन प्रकार का दिया है। तो इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि समतल दर्पण और गोलीय दर्पण दो प्रकार के दर्पण होते हैं। गोलीय दर्पण को दो दर्पण के रूप में विभाजित कर दिया गया है, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। तो समतल दर्पण क्या होता है? जैसे हमने पहले ही बताया कि जो परावर्तक पृष्ठ होता है उसके आकृति के आधार पर दर्पण के प्रकार हो जाते हैं। तो समतल दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ की आकृति होती है वो समतल होती है। जैसे एक पारदर्शी माध्यम का समतल प्लेट हमने लिया इस तरह से, मान लेते हैं ये पारदर्शी माध्यम है और इसको इस तरह से हमने रख दिया, ये इसके एक पृष्ठ को हमने कलई कर दिया पारे से और इस पर लाल ऑक्साइड लगा दिया। दूसरा जो पृष्ठ होगा वो परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा। तो इस दर्पण को हम इस तरह से दिखाएं, ये एक प्लेट है इस तरह का, इसके एक पृष्ठ को हमने कलई किया हुआ, ये हो गया हमारा कलई किया हुआ पृष्ठ। और इसका जो अपोजिट पृष्ठ होगा, जो विपरीत वाला पृष्ठ होगा, वो क्या हो जाएगा? परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ। तो इसको हम देख रहे हैं कि ये जो परावर्तक पृष्ठ है वो प्लेन है, समतल है, इसीलिए इसको समतल दर्पण या इंग्लिश में प्लेन मिरर कहते हैं, प्लेन मिरर कहते हैं। तो समतल दर्पण हमने देख लिया कि एक समतल पारदर्शी माध्यम का प्लेट होता है और उसके एक पृष्ठ को कलई कर देते हैं, और दूसरा पृष्ठ जो होता है वो समतल पृष्ठ होता है और परावर्तक पृष्ठ का काम करता है, इसलिए इस दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। अब आइए गोलीय दर्पण की तरफ चलते हैं। गोलीय दर्पण जो होता है, किसी खोखले गोले जो पारदर्शी माध्यम का बना होता है उसके एक भाग को लेकर के बनाया जाता है। गोलीय दर्पण पारदर्शी माध्यम के एक खोखले गोले के किसी भाग को लेकर के बनाया जाता है। जैसे ये एक गोला है पारदर्शी माध्यम का, जिस तरह से फुटबॉल होता है, फुटबॉल की तरह ये बड़ा सा गोला है पारदर्शी माध्यम का। इसके छोटे से भाग को काट करके निकाल दिया, अगर हम काटेंगे तो इस तरह की आकृति हमको मिलेगी, एक छोटा सा, और ये पूरा आकृति अलग हो गई। तो ये जो कड़ाही नुमा आकृति है ये पारदर्शी माध्यम की है, और इसके एक सतह को, जो उभरा हुआ सतह है, उसको हम कलई कर देते हैं, और जो धंसा हुआ सतह है वो परावर्तक पृष्ठ का काम करता है। तो इस बड़े वाले गोले के छोटे से भाग को हम काट करके ले लेते हैं और इस बड़े वाले भाग को हटा देते हैं। अब ये छोटा वाला भाग हमको मिला, छोटे वाले भाग का जो उभरा हुआ तल है, जो इधर वाला पृष्ठ है, उसको हम क्या कर देते हैं? कलई कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा कलई किया हुआ भाग,
और जो अंदर का धंसा हुआ भाग होता है वो परावर्तक पृष्ठ होता है। ये अंदर का जो पृष्ठ है ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ। तो इसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण में दो प्रकार का दर्पण, इसी गोलीय दर्पण में यदि उभरे हुए भाग को कलई कर दें और धंसे हुए भाग को परावर्तक पृष्ठ माने तो ये जो दर्पण होगा वो अवतल दर्पण होगा। और फिर इसी पूरे गोले के इस वाले भाग को निकाल दिया इस तरह से और ये छोटा सा भाग बना। इस छोटे से भाग में धंसे हुए पार्ट को, ये इधर उभरा हुआ पार्ट है इधर धंसा हुआ पार्ट है, तो धंसे हुए पृष्ठ को हमने क्या किया, कलई कर दिया। तो ये हो गया कलई किया हुआ पृष्ठ, और जो उभरा हुआ भाग ये है ये परावर्तक पृष्ठ हो गया। ये दोनों ही दर्पण हैं और दोनों किसी गोले के आंशिक भाग को लेकर के बनाए गए, इसलिए इन दोनों दर्पण को सम्मिलित रूप से गोलीय दर्पण कहते हैं। लेकिन जब उभरे हुए भाग को कलई कर दे और धंसा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ हो जाए तो इस प्रकार का दर्पण अवतल दर्पण हो जाता है, और जब धंसे हुए भाग को कलई कर दें और उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ हो जाए तो इस प्रकार का दर्पण उत्तल दर्पण होता है। तो अब हम एक एक दर्पण को लेकर के देखेंगे। तो दर्पण के प्रकार में पहला समतल दर्पण क्या होगा, इसमें पारदर्शी माध्यम का समतल पृष्ठ, एक पृष्ठ पारे एवं लाल ऑक्साइड से कलई किया हुआ, और दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ का मतलब जिस पृष्ठ पर प्रकाश की किरण पड़ती है और वो परावर्तित हो जाती है। अब गोलीय दर्पण पारदर्शी माध्यम के गोले के आंशिक भाग लेकर एक पृष्ठ को कलई किया जाए एवं दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ हो तो इस प्रकार का दर्पण गोलीय दर्पण। यह दो प्रकार का, ए अवतल दर्पण, इसको अभिसारी दर्पण, और इसी को इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव मिरर। ये अब ये कैसे बनता है, पूरे गोले के आंशिक भाग को लिया, इसके जो इधर वाला पृष्ठ उभरा हुआ है उसको कलई किया और धंसा हुआ भाग क्या हो गया, परावर्तक पृष्ठ हो गया। तो क्या पारदर्शी माध्यम के गोले के आंशिक भाग के उभरे हुए पृष्ठ को कलई किया जाए एवं धंसा हुआ पृष्ठ, अच्छा जो धंसा हुआ पृष्ठ होता है उसी को हम अवतल कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल। तो क्या हो गया, अवतल पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ हो तो यह दर्पण अवतल दर्पण, अभिसारी दर्पण या कॉनकेव मिरर होता है। यहां से इसके उभरे हुए भाग को हमने कलई किया और अंदर का धंसा हुआ भाग जो है वो परावर्तक पृष्ठ के रूप में काम कर रहा है। चूंकि धंसे हुए पृष्ठ को अवतल पृष्ठ कहते हैं इसलिए इस प्रकार का जो दर्पण होता है वो अवतल दर्पण कहा जाता है, अभिसारी दर्पण या कॉनकेव मिरर कहा जाता है। आगे दूसरा क्या हो गया, बी में उत्तल दर्पण, इसी को अपसारी दर्पण और इसी को कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके धंसे हुए पृष्ठ को कलई करते हैं और उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ होता है, और उभरे हुए पृष्ठ को हम उत्तल कहते हैं, इसलिए इस दर्पण का नाम उत्तल दर्पण पड़ जाता है। तो क्या लिखेंगे, पारदर्शी माध्यम के गोले के आंशिक भाग के धंसे हुए पृष्ठ को कलई किया जाए एवं उभरा हुआ पृष्ठ उत्तल पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ हो तो यह दर्पण उत्तल दर्पण, इसी को अपसारी दर्पण और इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो ये दो प्रकार के मुख्यतः मिरर हो गए, समतल दर्पण और गोली दर्पण। गोली दर्पण में दो दर्पण, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण। तो हमने पहले ही बता दिया था कि परावर्तक पृष्ठ के आकृति के आधार पर ही दर्पण का नामकरण किया गया है। जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ समतल है उसे समतल दर्पण कहा गया,
जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ है या अवतल है उसे अवतल दर्पण कहा गया, और जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ या उत्तल है उसे उत्तल दर्पण कहा गया। अब आगे इन दर्पण से संबंधित कुछ और भी तथ्य हैं जिसको हम देखेंगे। तो पहला जो तथ्य है वो है वक्रता केंद्र। क्या है? वक्रता केंद्र। तो जिसको हम फिगर में सी से लिखे हैं, और चूंकि ये गोले दर्पण एक गोले से मिलकर के बना होता है तो हर गोले का एक केंद्र होता है, तो जो गोले का केंद्र होता है वही केंद्र इस दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। यानी गोले दर्पण जिस पारदर्शी माध्यम के गोले से बना हुआ होता है उस गोले का जो केंद्र होता है उसको इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो आइए हम एक एक तथ्य को लेकर के परिभाषित करते हैं। तो गोले दर्पण से संबंधित कुछ शब्दावलियाँ हैं उसको हम देखते हैं। पहली शब्दावली है वक्रता केंद्र, इसको आप इंग्लिश में कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, लिखते सी से हैं। तो ये गोले दर्पण जिस गोले के आंशिक भाग को लेकर के बनाया जाता है उसी गोले का जो केंद्र होता है उसको हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण का क्या लिखें? जिस गोले के आंशिक भाग से गोले दर्पण बनाया जाता है उसका केंद्र गोले दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। ये जैसे इस गोले को हम अगर पूरा करें तो इस गोले का ये केंद्र हुआ, और यही केंद्र क्या हो जाता है? इस गोले दर्पण का वक्रता केंद्र हो जाता है। तो इस गोले को पूरा किया, यहाँ पर इसका इस दर्पण का वक्रता केंद्र हो गया, और इस गोले को अगर हम पूरा करें इस तरह से तो इस गोले का ये केंद्र हो गया, तो इस दर्पण का ये वक्रता केंद्र हो गया। आगे क्या हो गया? ध्रुव, ध्रुव जिसको पोल कहते हैं, तो दर्पण का ध्रुव जो होता है जैसे इस गोले का आंशिक भाग ले करके हमने दर्पण बनाया, और इस दर्पण का जो अंदर का पृष्ठ है जो धंसा हुआ पृष्ठ है वो परावर्तक पृष्ठ है, तो धंसे हुए पृष्ठ का जो मध्य बिंदु है जैसे गोले के आंशिक भाग को लें तो एक कड़ाही नुमा आकृति बन जाती है, उस कड़ाही नुमा आकृति का जो मध्य बिंदु होता है उसको हम क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो क्या लिखें? कि गोले दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु कौन सा है? पी। ये गोले दर्पण है, इसका धंसा हुआ भाग अवतल भाग परावर्तक पृष्ठ है, तो इस धंसे हुए भाग का जो मध्य बिंदु पी है उसको हम क्या कहेंगे? इस गोले दर्पण का पोल कहेंगे, ध्रुव होता है। तीसरा, ये पहला हो गया, ये दूसरा, और तीसरा मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमको मिल गया है इस गोले दर्पण का वक्रता केंद्र सी और इस गोले दर्पण का ध्रुव पी। सी और पी को मिला करके जो लाइन खींची जाती है, या वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिला करके जो लाइन खींची जाती है वो लाइन क्या कही जाती है? इस गोले दर्पण का मुख्य अक्ष। तो इस गोले दर्पण में ध्रुव ये है, सी ये है, दोनों को मिला करके रेखा खींच दिए, ये क्या हो गया? ये मुख्य अक्ष हो गया। इस दर्पण का ध्रुव ये है और वक्रता केंद्र सी ये है, इन दोनों को मिला करके ये जो लाइन खींचे इस लाइन को हम क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे, मुख्य अक्ष। तो क्या हो गया? गोले दर्पण के वक्रता केंद्र एवं ध्रुव को मिलाती हुई खींची गई रेखा क्या कहलाती है? गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष अक्ष कहलाती है। और अगला चौथा जो होता है वो फोकस है। क्या है? फोकस बिंदु। तो अभी तो इसको हम यही जानेंगे कि गोले दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य में मुख्य अक्ष पर जो बिंदु होता है उसको गोले दर्पण का फोकस कहते हैं। आगे इसकी और भी परिभाषा बनेगी, तो अभी यही देखते हैं कि गोले दर्पण के वक्रता केंद्र एवं ध्रुव के मध्य मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु F गोले दर्पण का फोकस होता है।
इसको और रूप से भी देख सकते हैं, जैसे अब मुख्य अक्ष के समानांतर जितनी भी प्रकाश की किरणें चलेंगी इस तरह से, ये प्रकाश की किरण एक चली इस तरह से, दूसरी प्रकाश की किरण ये चली इस तरह से, तीसरी प्रकाश की किरण चली इस तरह से, चौथी प्रकाश की किरण इस तरह से चली। तो ये जितनी भी प्रकाश की किरणें चलती हैं इस गोले दर्पण से परावर्तित होगी, और परावर्तित होने के बाद एक बिंदु पर मिलती है मुख्य अक्ष पर, ये इस तरह से। इस बिंदु को क्या कहते हैं, गोली दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो यहाँ से भी एक परिभाषा बन के आती है कि मुख्य अक्ष ये है, उसके समानांतर जितनी भी प्रकाश की किरणें चलती हैं वो परावर्तन के पश्चात या तो मुख्य फोकस से होकर के जाती हैं, या ऐसा लगता है कि मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो इसको हम बाद में भी देखेंगे क्या होगा, अथवा गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को गोलीय दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। जैसे यहाँ पर मुख्य अक्ष के समानांतर सभी प्रकाश की किरणें चल रही हैं, लेकिन इस दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात इस बिंदु यफ पर मिल रही है, तो ये बिंदु यफ जो होगा इस गोली दर्पण का फोकस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, ये परावर्तक पृष्ठ है, तो इधर से चलने वाली प्रकाश की किरण इस तरह से होगी, ये इस तरह से, और इस परावर्तक पृष्ठ से परावर्तित होगी तो लगेगा कि देखिएगा ये समांतर प्रकाश की किरणें सारी चल रही हैं और इस पृष्ठ से परावर्तित होकर के इस दिशा में ऐसे चल रही हैं। और अगर यहाँ इधर से कहीं से देखा जाए तो लगेगा कि सारी प्रकाश की किरणें इस बिंदु से आ रही हैं, यानी इस बिंदु से आती ही प्रतीत हो रही है। तो ये बिंदु क्या हो जाएगा, इस गोली दर्पण का फोकस हो जाएगा, और ये बिंदु इस गोली दर्पण का फोकस हो जाएगा। तो अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस पर सारी परावर्तित किरणें मिलती हैं, और उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात लगता है कि फोकस से सारी प्रकाश की किरणें आ रही होती है। तो ये हमारा हो गया फोकस। और ये जो फोकस होता है ये ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य में होता है, जिसको हम आगे प्रूफ भी करेंगे कि कैसे फोकस जो है दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच होता है। अगला जो अंतिम तथ्य है वो है फोकस दूरी, पांचवा फोकस दूरी। ये हो गया दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी, दर्पण की फोकस दूरी होती है। और आगे दर्पण का द्वारक होता है, जैसे पारदर्शी माध्यम के गोले से हम आंशिक भाग लेकर के गोली दर्पण बनाए हैं, और गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जितने एरिया में होता है जहाँ प्रकाश की किरणें पड़ सकती है वही गोली दर्पण का द्वारक कहा जाता है। तो इस तरह से ये हमारे गोली दर्पण संबंधित कुछ तथ्य रहे, वक्रता केंद्र, ध्रुव, मुख्य अक्ष, फोकस बिंदु और फोकस दूरी। तो उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इस पे किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे, और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके साइंस की मुकम्मल तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही, अगला टॉपिक अगली वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि हमारे द्वारा दिया गया वीडियो क्लिप आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप तत्परता के साथ अपनी तैयारी कर सकें। तो आज बस इतना ही, अगला टॉपिक अगली वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।